साल की तरह इस साल भी अजमेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष मोइन अजमेरी द्वारा ईद मिलाद अनोखे अंदाज में मनाया गया। सेंटा क्रूज में मौजूद वीएन देसाई अस्पताल के करीब 300 मरीजों को फल, जूस और बिस्किट बांटी गई। साथ ही सभी मरीजों की सेहत के लिए दुआ भी की गई। अस्सलाम वालेकुम, पूरे आलम के मुसलमान को अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत ईद उल मिलाद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम ये हर साल करते हैं, जैसे आपको सलामत पता है कि जो पैगाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना, कि हर लोगों तक हम पहुँचे, गरीब गुरबा तक उनको मदद करें। और हॉस्पिटल्स में रहने वाले लोग जो बेचारे यहाँ BMC में एडमिट होते, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं हमारी एंड से हम जो भी उनको बेहतर कर सके। और मिलाद के मौके पर एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए आवाम में, देश में भाईचारगी के लिए, तो हम वो हिसाब से ये हर साल ये करते हैं। हमने मॉर्निंग में हमारा जो प्रोग्राम होता है हर साल की तरह बच्चों का, वो हो गया। अब यहाँ पर हम एक पैकेट से ऐसा बना के, जिसमें दो एप्पल है, दो संतरे है, अनार है, कीवी फ्रूट्स है, बिस्किट्स है, वाटर बॉटल्स है, केक है, ये हम सारे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल करें, लोगों तक पहुँचे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सच्चा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के प्रतीक थे, वो पूरे कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए थे, पूरे कायनात के लिए अमन का पैगाम है। तो अमन के लिए हम करते हैं, भाईचारगी के लिए लोगों तक स्पेशल मैसेज पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मैसेज पहुँचे, कि आज इतना बड़ा दिन है, ताजदार कायनात की आमद हुई है। बस वो आमद के सिलसिले में बांट रहे हैं, आमद के सिलसिले में, तो इम्पोर्टेंट मैसेज यही है। सबसे पहले तो सारे आलम के मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। और आज ये जो हम प्रोग्राम अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से जो कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन मकसद यही है कि आज मरीजों की हम गुरुकोशी कर रहे हैं, और हम यही दुआ करेंगे, सिर्फ फल फूल बांटना ही हमारा यहाँ का मकसद नहीं है, लेकिन हम उसके साथ साथ यही दुआ करेंगे कि जितने भी मरीज़ इस अस्पताल में एडमिट है फ़िलहाल, अल्लाह उनको जल्द से जल्द शफा कुल्ली अता करे, और इसके अलावा जितने भी दुनिया में अस्पताल में जो मरीज़ हैं वो सबको अल्लाह शफा कुल्ली अता करे, और हर बला मुसीबत आफत बीमारी से अल्लाह उन्हें महफूज रखे। और सारे आलम के मुसलमानों का फिर से एक बार मेरी तरफ, हमाम अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। आज के दिन हमारे मोइन भाई, अनवर भाई, खालिद भाई और दीगर सभी साथी, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। और हमारे सारे ही उलमाए किराम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम भी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी का दिन कोई नहीं। हम खुशी मनाना चाहते हैं और उसको सबके साथ में बांटना चाहते हैं, इसलिए सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये फूड बांटने के लिए मोइन भाई, खालिद भाई, अनवर भाई और सभी दीगर हमारे मुसलमान मोमिन भाई आए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड पीस डे है, आज हमारे हुजूर का ताजदार मदीना, सरकार मदीना की विलादत का दिन है, और वो हुजूर जो सिर्फ तमाम आलमीन के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलमीन के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए, और उन्होंने ही हमें ये तरतीब दी है कि पीस और अमन किस तरह से फैलाना चाहिए, मुस्लिम को किस तरह हुकूक अदा करने चाहिए, उसमें हमारे तमाम भाई आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाई आते हैं, और सबके लिए एक अमन का पैगाम, पीस का पैगाम कैसे पहुंचाना चाहिए, इस डे को हम उस तरह से मनाने के लिए अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि किस तरह से बेहतर इस डे को मनाया जाए, ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुँचे कि जो हुजूर हमारी तशरीफ़ लाए से वो हमारे लिए नहीं है, वो सब के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए हैं, तो सब के लिए वो रहमत बन के आए हैं, यही पैगाम हमारे अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से देने की कोशिश की जाती है। ताकि आज हमारा ईद मिलादुल नबी का बहुत बड़ा खुशी जश्न मनाने का दिन है, और इसके पहले भी आने वाले, ये नहीं कि हम लोग इसी आज ही के दिन हम लोग ये गरीब लोगों में इस चीज़ों को बांटते हैं, इसके अलावा भी रमज़ान के दिनों में भी अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से मोइन भाई हमारे काफ़ी बेवाओं को, काफ़ी गरीबों को ज़कात, फितरा, सदका बाकायदा हमेशा करते रहते हैं। ये आज हमारा इतना बड़ा मुबारक दिन है, इसकी वजह से हम लोग पिछले साल भी ये इंतज़ाम किए थे, इस साल भी करेंगे। हम चाहते हैं अजमेरी फाउंडेशन इसी तरह तरक्की करते रहे, और हर साल हम लोग इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के इंतज़ाम करें भाई।